नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन करें में। 9 मार्च विजय एकादशी, बड़ा मंगलवार, थोड़े से काले तिल से करे उपाय, इतना आएगा पैसा कि आप संभाल नहीं पाओगे। मंगलवार के दिन इस तरह उपाय कर फेंक दें अपना बुरा समय और दुर्भाग्य, सफलता मिलेगी दोगुनी। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो जाने अनजाने में काफी लोग करते ही रहते हैं। इससे उनके जीवन में वे खुद ही रोज दुर्भाग्य को बढ़ा लेते हैं। पता ना हो पाने के कारण ये गलतियाँ होती ही रहती है। इसका प्रभाव सीधे आपकी किस्मत पर तो पड़ता ही है और साथ ही आपके बनते हुए काम भी रुकने लगते हैं। रोज आपके मन में एक अनजान सा भय बना ही रहता है जो आपके कार्य होने से रोकता रहता है। तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीज जिनका आप जरूर ध्यान रखें और अपने लाइफ को बदलते हुए देखें। काफी बार घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसकी वजह से सभी लोग परेशान रहते हैं। घर में दुख बना ही रहता है जिसका प्रभाव अन्य लोगों पर भी पड़ने लगता है। बात बात पर लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं जिससे हर कार्य में रुकावट सी महसूस होती है। तो ऐसे में अपनी परेशानी को खत्म करने के लिए आपको हर मंगलवार को उस व्यक्ति पर से 7 बार काले तिल आपको उतारने हैं। ये काम आप घर के सभी सदस्यों पे भी कर सकते हैं। आपको एक मुट्ठी काले तिल लेने हैं और मंगलवार के दिन उस व्यक्ति के सर से पैर तक 7 बार आपको ये काले तिल उतारने हैं और उतारने के बाद आपको पश्चिम दिशा में फेंक देने हैं। एक मुट्ठी में तिल लेकर आप सभी लोगों के ऊपर से भी उतार सकते हैं। बार बार तिल लेने की जरूरत आपको नहीं है। एक मुट्ठी तिल से ही आप सभी सदस्यों को वार सकते हैं। ये आपको सूरज ढलते समय करना है, यानी कि जब सूरज ढलता है तो आपको ये तिल भी पश्चिम दिशा की ओर फेंक देने हैं। ऐसा करने से तुरंत घर से और उस व्यक्ति से भी सभी नेगेटिव एनर्जी दूर चली जाती है। नजर उतारने के लिए भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इससे तुरंत ही नजर तो उतरती ही है, साथ ही सभी तरह की नेगेटिव एनर्जी भी समाप्त हो जाती है। हर मंगलवार को और शनिवार को इस प्रकार इस उपाय को करने से आपका दुर्भाग्य घटने लगता है और बहुत जल्दी आपका अच्छा समय आने लगता है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप सोकर उठते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि सोकर उठते समय आपको कभी भी शीशा नहीं देखना चाहिए। यानी कि जब भी आप सोकर उठते हैं तो कभी भी शीशे को ना देखा करें, साथ ही किसी भी व्यक्ति को ना देखा करें। आपको सबसे पहले अपने दोनों हाथ जोड़कर हथेलियों को देखना चाहिए। हथेलियों में जो आधा चांद बनता है उसी के दर्शन आपको सबसे पहले करने चाहिए। ऐसा करने से किस्मत बलवान बनने लगती है, दुर्भाग्य पीछा छोड़ देता है। लेकिन अगर आप शीशा देखते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में नेगेटिविटी हमेशा ही बनी रहती है और कभी भी आप तरक्की प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। तीसरी चीज है, जो लोग अपनी समझ से बहुत परेशान रहते हैं, दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ता है, तो आप अपने सिरहाने तांबे का लोटा जरूर रखा करें। आपको तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें थोड़े से काले तिल डालकर रखने हैं। रोज आप इस प्रक्रिया को करते हैं। मंगलवार से आपको ये शुरू करना है। ये लोटा आपको अपने सिरहाने रखकर सोना चाहिए और जब भी आप सुबह उठते हैं तो अपने सर पर से 7 बार उतारकर आपको ये जल किसी भी कांटेदार पौधे पर डाल देना चाहिए। कांटेदार पौधे जैसे कि कैक्टस होता है या फिर और कोई, आप इसमें गुलाब के पौधे को भी ले सकते हैं। तो ये जल आपको उसमें डाल देना चाहिए। इस प्रकार करने से दुर्भाग्य बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है और आपकी इच्छाएं बहुत जल्द पूरी हो जाती हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए और दुर्भाग्य को दूर करने के लिए ये बहुत ही आसान सा और सरल सा प्रयोग है जो आपको जरूर करना चाहिए। मंगलवार से आपको शुरू करना है, इससे आपको अनेकों लाभ मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके।